Good morning, friends. Welcome back to Digital Platform of Online Study at Allahabad. दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, मजे कर रहे होंगे और आज का क्लास में सभी लोग उपस्थित होंगे। तो लास्ट टाइम पे हमने आपको बताया था कंडीशनल ब्रांचिंग, और कंडीशनल ब्रांचिंग में हमने इफ देन एल्स की नेस्टेड वाली बातें के बारे में भी बता दिया था। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। हम कल कुछ होमवर्क लिए थे, उस होमवर्क में पहला प्रश्न था क्या कि आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था एक अमाउंट के ऊपर, जबकि इनपुट कराना था आपको केवल अमाउंट, एज एंड टाइम, और आपको कैलकुलेट करना था उसका कितना इंटरेस्ट उसको मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे ध्यान रखिए थे, हमारे कुछ कंडीशन दिए हुए थे मैंने, उसमें एक कंडीशन था आपके एज के ऊपर और दूसरा कंडीशन था उसके टाइम के ऊपर, कितने समय के लिए डिपॉजिट कर रहा है। अगर वो सीनियर सिटीजन है और वो लंबे समय तक के लिए कर रहा है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग मिलेगा, अगर सीनियर सिटीजन है कम समय के लिए कर रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है। इसी प्रकार से सीनियर सिटीजन नहीं है तो अधिक समय के लिए कर रहा है तो अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट, और सीनियर सिटीजन नहीं है कम समय के लिए कर रहा है तो अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इनको आपको चेक करके प्रोग्राम लिखना था। चलिए पहले इसी को डिस्कस कर लिया जाए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा मैं हाश नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं सीधे सीधे मेन से काम शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको पहले इनपुट क्या क्या करना है ये डिसाइड कर लीजिए। आपको इनपुट करना है एज, इंटीजर टाइप का एज, फिर आपको प्रिंसिपल अमाउंट जो है कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है ये, और टाइम कितने समय के लिए वो डिपॉजिट करना है ये, और आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। हमने INTR उसके लिए वर्ब दे दिया है, ठीक है। हमें इनपुट लेने के लिए एज, अमाउंट और टाइम, और INTR दिया है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, क्लियर। पहला काम तो ये करें कि हम इनपुट करा लें, तो CLRSCR स्क्रीन साफ किया, प्रिंटर एंटर द डिपॉजिट अमाउंट एंड टाइम। आपको डिपॉजिट अमाउंट और टाइम इनपुट कराना है, इनपुट कराने के लिए हमारे पास स्कैनर है, स्कैनर परसेंट डी अमाउंट के लिए, परसेंट डी टाइम के लिए, परसेंट AMD अमाउंट में और परसेंट टाइम में टाइम इनपुट करा लिया, ठीक है ना। अब अगला काम हमें एज भी इनपुट कराना है, प्रिंटर एंटर कस्टमर एज, कस्टमर का एज भी इनपुट कराइए, स्कैनर पर्सन डी एज। आपने इनपुट ले लिया, सारे इनपुट हो गए। अब इनपुट लेने के बाद आपको कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन के लिए हमारे पास कंडीशंस हैं, है ना। तो सबसे पहले हम एज को चेक कर लें, है, और चेक करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कंडीशन। हमने पहला कंडीशन लिखा इफ एज इज लेस देन कितना 70, अगर एज 70 से कम है
यानी कि वो सीनियर सिटीजन नहीं है। अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो हमें एक और कंडीशन चेक करना था कि वो कितने समय के लिए अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है। टाइम अगर 5 साल से कम है तो चेक करिए, इफ टाइम इज लेस देन क्या 5 ईयर्स तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंट हमने इंटरेस्ट बताया था 6.2 तो 6.2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम बटे 100 हो गया, इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। ये तो तब अगर 5 साल से कम है, अदरवाइज एल्स इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई 7.2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम बटे 100 हो गया। अगर उसकी उम्र 70 साल से कम है तो 5 साल से कम है तो ये रेट के हिसाब से कैलकुलेट करो, 5 साल से अधिक या बराबर है तो इस रेट के हिसाब से कैलकुलेट करो। अब अगर उसकी उम्र 70 साल से कम नहीं है यानी 70 या उससे अधिक है तो अलग तरीके से कैलकुलेट करना है। फिर वही चीज, इफ टाइम इज लेस देन 5 तो क्या करना है, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, INTR इज इक्वल टू अमाउंट गुणे कितने परसेंट के हिसाब से, यहाँ पे क्या दिया था 5 साल के काम के लिए 6.7 मल्टीप्लाइड बाय टाइम बटे 100 एल्स इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय कितना था 8.0 मल्टीप्लाइड बाय टाइम बटे 100 हो गया। ये एल्स खत्म हो गया। अब हमें करना क्या है, केवल प्रिंट कर देना है इंटरेस्ट कितना है। प्रिंट करवा दो, यहां पे हमने लिखा प्रिंट एफ इंटरेस्ट इज परसेंट एफ और यहां पे INTR की वैल्यू प्रिंट करा दीजिए। हर लोग तो हमारा डिस्प्ले हो गया। अब यहां पे SCH और ये हमारा प्रोग्राम है, मैं यहां पे एंड कर दे रहा हूं। तो ये आपका प्रोग्राम हो गया, कल वाला जो हमने आपको होमवर्क दिया था आप लोग इससे मैच कर लीजिए। अगर सही है तो टिक कर लीजिए, सही नहीं है तो उसको सुधार लीजिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा था कि 2 नंबर इनपुट करा के स्वाप करना है। स्वाप करना मतलब इंटरचेंज करना है, एक नंबर की वैल्यू दूसरे में, दूसरे वाले की पहले, यही करना था। अब इसको कैसे किया जाएगा, कोई लॉजिक बताएगा क्या? एनीवन? सर ए को बी के इक्वल टू करा दो। वेरी गुड। मान लो ये हमारे पास एक वेरिएबल है ए और ये दूसरा वेरिएबल है बी। मान लो इसमें हमने इनपुट किया है 25, इसमें इनपुट किया है 35, ठीक है ना? ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, ए में हो जाए 35 और बी में हो जाए 25, कैसे करेंगे, कौन बताएगा? स्वैपिंग तो करना, कैसे करना है? अगर हमने कहा ए इक्वल्स टू बी, मतलब बी की वैल्यू किस में आ जाएगा, ए में, तो बी में कितना है? अब यहां पे क्या हो गया, अब क्या करें, कैसे? अभी तो हमने खाली b को a में डाला ना, b बराबर है, b इक्वल टू a, तो a इक्वल टू b इक्वल टू a कर देंगे तो b में क्या है, a में क्या है, अभी 35 है, b में 35 ही रहेगा, कहां मतलब?
हुआ क्या कुछ? अब ऐसे समझो कि मेरे पास एक ग्लास है जिसमें दूध है, ये स्टील की ग्लास है, इसमें क्या है? दूध है। और ये शीशे की ग्लास है, इसमें शरबत है। और हम चाहते हैं कि शरबत शीशे की ग्लास में क्या है? दूध आ जाए, और स्टील की ग्लास में शरबत आ जाए। क्या तीसरा ग्लास लेना पड़ेगा? लो ना भाई, वही चीज तो है यहाँ पे भी, तो तीसरा ग्लास ले लो। तो यहाँ पे 25 था, तो आपको एक और द्रव्य लेना पड़ेगा, टेम्पररी पी ले लिया। अब क्या करो, यहाँ पे क्या करते हैं, तीसरा ग्लास लिया है ना, अब पहले एक को इसमें खाली कर लो, यानी कि इसमें क्या करें, इसको खाली कर लिया, यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो हमने क्या लिखा, टी बराबर ए। अब ए का डेटा अगर गायब भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास है वो, है ना। तो अब क्या करें, बी में बी को ए में डाल दें, टी बराबर ए करने के बाद ए बराबर बी कर दिया, तो यहाँ पे हो गया 35। अब बी में हमें 25 चाहिए, तो ये बी में है, उसको यहाँ डाल दो, बी बराबर टी, काम खत्म। तो यहाँ पे हमने किसका सहारा लिया, एक टेम्पररी वेरिएबल का सहारा लिया। समझ में आया? ये है स्वैपिंग का टेक्निक। किसी को डाउट? किसी को कोई डाउट? डाउट नहीं, बट प्रूव होना चाहिए ना कि मतलब ये डिस्क्वालीफाइड है। करके बताओ ना, अगर यहाँ से आपने दूध इसमें डाला, इस वाले ग्लास में, चांदी के ग्लास में, सब कुछ दूध डाल दिया, ये वाला खाली कर दिया, तो स्टील वाला खाली हुआ। अब स्टील वाले में क्या डाल दें? शरबत डाल दें। वैल्यू से मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ आपको स्थानांतरण करना है। स्थानांतरण करना है, वैल्यू से कोई मतलब नहीं भाई। वैल्यू ही तो है, स्थानांतरण करने तो ये 35 में गया, 25 में आया कि नहीं आया, तो वैल्यू चेंज हुआ कि नहीं हुआ? स्वैपिंग का मतलब क्या हुआ, इसका वैल्यू इसमें चला गया, इसका वैल्यू इसमें आ गया, ठीक है ना, स्थानांतरण ही तो किया। भाई जब आपने कहा, पहले जब t नहीं लिया था, आपने कहा a बराबर b, तो इसका मतलब क्या हुआ, b में जो है वो a में डाल दो, b में क्या है 25 है, तो किस में डाल दो, a में, तो a में हो गया 25। जैसे 25 है तो a में जो था वो तो गायब हो गया ना। अब b में अगर डालोगे a तो 25 ही तो आएगा इसमें, क्योंकि वो बदल चुका है, समस्या। तो हम क्या करें, इसको इसमें डालने से पहले इसको कहीं स्टोर कर लें, तो t बराबर b, तो b t में चला गया, और a बराबर b, और फिर b बराबर, सॉरी यहां पे b बराबर a कर लो पहले, फिर a बराबर t कर, काम खत्म। समझ में आया? या अभी भी किसी को कोई समस्या? किसको समस्या है? डाउट उसमें है कि अपने एग्जांपल दे, दूध शरबत और ये वाला, तो दूध शरबत वाली ग्लास में दूध डाले थे तो दूध सही फ्रेश रहेगा? अरे उसको छोड़ दो, मतलब खाली अपने एग्जांपल समझाने के लिए, अब मतलब उसका कलर चेंज हो जाएगा तो क्या नहीं हुआ, यानी मतलब ये इसको तो भी लिखा है यहां पे, ये 35 प्रति है, इसको सुना है, इसी मतलब नहीं से इसे वापस, अरे नालायक, हम ये इक्वल्स टू चेक नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि उसमें स्टोर करो, ए बराबर भी मतलब बी को ए में डालो, अगर चेक करना है बराबर है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग ये लिखते हैं। जब आपने कहा a बराबर b, इसका मतलब क्या, b को a में स्टोर करो। और बताओ, और किसी को कोई समस्या? हाँ, एनीवन? तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। कैसे करेंगे, मेन फंक्शन लिखते हैं, वॉइड मेन, और इस मेन फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। तो हमें दो वेरिएबल चाहिए, int a कॉमा b, और हमें एक तीसरा ग्लास भी चाहिए, तो हमने टी ले लिया, टेम्पररी के लिए टी ले लिया, ठीक।
ठीक है, आप क्या करें, इनपुट कराएंगे ए और बी, तो सी एल आर एस सी आर मैसेज दिया, एंटर टू नंबर्स हो गया, दो नंबर्स इनपुट कर लिए, इनपुट लेने के लिए स्कैनर परसेंट डी ए और बी में इनपुट हो गया। अब चूंकि इसके बाद आपको इनपुट नहीं देना तो हम एफ प्लस ना भी लिखे तो चलेगा, बट अगर लिखे तो कोई गलत नहीं है, अच्छी हैबिट एफ प्लस एस डी एन, आपने कीबोर्ड का जो बफर है उसको क्लियर कर दिया। अब आगे की बात करते हैं, अब हमें स्वैपिंग करना है, तो स्वैपिंग के लिए हम पहले क्या करें, टेम्पररी में कोई एक वेरिएबल खाली कर लो, टी बराबर ए, ए को किस में डाल दिया, टी में, ए खाली हो गया। अब ए में क्या कर लें, बी डाल दें, बी बराबर ए बराबर बी, ए खाली था उसमें बी डाल दिया, अब बी खाली हो गया तो बी में क्या डाल दें, बी बराबर टी, काम हो गया। अब प्रिंट करा लें, प्रिंटर आफ्टर स्वैपिंग, स्वैप करने के बाद क्या होगा, प्रिंटर ए इज इक्वल टू परसेंट डी, बी इज इक्वल टू परसेंट डी, और यहां पे ए और बी की वैल्यू प्रिंट करा, काम खत्म। ठीक, सिंपल, ये तरीका है आपका स्वैपिंग का। तो इसमें हम लोग इसी प्रॉब्लम को एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं बिना तीसरा वेरिएबल लिए भी। कैसे करेंगे, यहां पे हम लोग गणित का सहारा लेंगे, मैथ्स का सहारा लेंगे। कैसे, जरा देखो, हमने एग्जांपल जो लिया था, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, और अभी जो हमने लिया है वो है टी, अभी जो किया है। मान लो ए में था 25, बी में था 35, और ये अभी गार्बेज है। तो आपने इनपुट जब करने के बाद जब यहां पे लिखा टी बराबर ए, तो ए में क्या आ जाएगा, सॉरी टी में क्या आ जाएगा, फिर ए बराबर बी, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी यानी कि 35। फिर लिखा बी इक्वल टू टी, बी में क्या आ जाएगा, जो टी में है 25। तो अदला बदली होगी ना, यही तो चाहिए था, हो गया, बट इसमें हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल का सहारा लिया। अब इसका सहारा लेकर क्या करते हैं, गणित का सहारा लेते हैं। कैसे, हमने लिखा ए बराबर ए प्लस बी, क्या लिखा, ए और बी को जोड़ो और ए में डाल दो, ए में कितना है, पहले ये था 25 और ये था 35 और ये नहीं था, अब ये नहीं है, ठीक है ना, क्या कहा मैंने, तो ए और बी को जोड़ो और ए में डाल दो, ए और बी को जोड़ोगे कितना आएगा 60, और किस में चला जाएगा वो, तो यहां पे क्या हो गया, पहले 25 था, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हमने लिखा बी बराबर ए माइनस बी, बी बराबर ए कितना है 60, माइनस बी कितना है 35, ए बराबर कितना हो गया, सॉरी बी बराबर कितना हो गया 25, चेंज हो गया, ठीक ना। अब इसके बाद हमने लिखा ए बराबर ए माइनस बी, ए बराबर ए कितना है 25, चेंज हो गया कि नहीं हो गया, हमने क्या किया, गणित का सहारा लिया। ऐसे समझो दो ग्लास है, एक में तेल है एक में पानी है, क्या है, ठीक है, तो हम कैसे कर, पहले एक में पहले दोनों को ऐड कर दो,
है ना, क्या करो ऐड कर लो, जिसमें तेल है उसमें क्या डालो, पानी नीचे चला जाएगा, तेल ऊपर आ जाएगा, आ गया। अब हल्के से डिकेंटेशन करके तेल स्टैंड लेते हो, अदला बदली हो गई, वही चीज हमने ऐसे किया। अब यहाँ पे अगर इस तरीके से करना है तो तीन स्टेटमेंट लिख दो, ये तीनों कैसे लिखेंगे, ए बराबर ए प्लस बी, उसके बाद बी बराबर ए माइनस बी, और उसके बाद ए बराबर ए माइनस बी, हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो कौन सा तरीका ज्यादा बेहतर है? चले अब हम लोग नए टॉपिक की ओर चलते हैं। हम लोग टू वे ब्रांचिंग के बाद मल्टी वे ब्रांचिंग की बात करेंगे। हटे डालिए मल्टी वे ब्रांचिंग, मल्टी वे ब्रांचिंग। मल्टी वे ब्रांचिंग हमारे कंडीशनल ब्रांचिंग का दूसरा तरीका है। हमने ये बताया था कि अगर कंडीशन चेक कर रहे हैं तो उसमें दो ही रास्ते निकलते हैं, या तो इधर जाएगा या उधर जाएगा। बट कई दफा हम कोई वेरिएबल की वैल्यू चेक करते हैं और उसकी अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग काम करना चाहते हैं। जैसे मान लिया हमने वेरिएबल x को लिया, x की वैल्यू 1 है तो ये करो, 2 है तो दूसरा करो, 3 है तो तीसरा काम करो, 4 है तो चौथा काम करो, एंड सो ऑन। जहां कहीं भी ऐसी सिचुएशन आएगी वहां पे हम लोग कौन सा यूज करते हैं, मल्टी वे ब्रांचिंग। तो मल्टी वे ब्रांचिंग क्या हुआ, ये एक एक्सप्रेशन की वैल्यू चेक करता है, कंडीशन नहीं चेक करता है, एक्सप्रेशन की वैल्यू चेक करता है और उसकी अलग अलग वैल्यू के लिए कंट्रोल को अलग अलग जगह भेजता है, उसकी अलग वैल्यू के लिए कंट्रोल को अलग अलग जगह भेजता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप लोग इस क्लास में घुसे वहां पर मैंने कहा रुको, अब यहां पे लोग बैठेंगे कैसे, वो हम तरीका बता रहे हैं। जिनका नाम ए से शुरू होता हो वो पहले बेंच में बैठेंगे, जिनका नाम बी से शुरू होता हो उसके बाद वाले में बैठेंगे, उसके बाद सी वाले, उसके बाद डी वाले, इस तरह से बैठेंगे। अब देखिए हमने यहां पे क्या किया, नाम के पहले अक्षर के हिसाब से यहां पे काम किया है। तो सबसे पहले मान लो ज्वाला आया, तो ज्वाला का नाम ए से शुरू होता है, नहीं तो इस पर नहीं बैठेगा, तो इस तरह से देखता हुआ जाएगा मेरा कहां जाएगा, वहां पे जाके बैठ जाएगा। उसके बाद ये आर्यन आया, किससे शुरू होता है, ए से, पहला वाले बेंच पर जाएगा। फिर उसके बाद आयुष आया, इसका नाम भी ए से शुरू होता है, बेंच पे बैठ जाएगा, इसी बेंच पे। फिर उसके बाद क्या नाम है, अभिषेक, इसका नाम भी ए से शुरू होता है तो इसके पीछे वाले बेंच पे बैठ जाएगा, ये वाला। गणेश जी वाले पे जाके बैठेगा, शिव प्रसाद एस वाले पे जाके बैठेगा, एंड सो ऑन। तो अपना कंडीशन चेक कर रहा है कि मेरे नाम के पहला अक्षर क्या है और उस हिसाब से उस वाले बेंच पे जाके बैठ रहा है। तो यहां पे देखिए अलग अलग वैल्यूज के हिसाब से हम अलग अलग जगह भेज रहे हैं, इसीलिए इसको कहते हैं मल्टी वे ब्रांचिंग। क्लियर है, समझ में आया? लिख लीजिए इन दिस कंस्ट्रक्ट वी इवैल्यूएट वैल्यू ऑफ any expression, किसी expression की value को हम लोग evaluate यानी कि check करते हैं, and
transfer the control to different blocks. Of statement depending upon the value of expression. यहां पर हमने क्या किया, एक expression को check किया और उसकी अलग अलग वैल्यू पे हमने उसको अलग अलग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स में कंट्रोल को भेज दिया। इसीलिए इसको कहा जाता है मल्टी वे ब्रांचिंग। इतना क्लियर है? इन सी लैंग्वेज वी यूज स्विच case statement for multi-way branching. C language में हम लोग multi-way branching के लिए क्या use करेंगे? Switch case. Switch case statement. Switch case. ठीक है, समझ में आया? हम चाहें तो ये काम इफ एल से भी कर सकते हैं, बट जितने वैल्यूज होंगे उतने बार इफ लगाना पड़ेगा। इफ एक्स इक्वल्स टू वन गो देयर, इफ एक्स इक्वल्स टू टू गो देयर, इफ एक्स इक्वल्स टू थ्री गो देयर, इफ एक्स इक्वल्स टू फोर गो देयर, इफ एक्स इक्वल्स टू फाइव ये करो एंड सो ऑन। उतने ज्यादा कंडीशन लगाने पड़ेंगे और जहां भी कंडीशन ज्यादा लगता है वहां क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। और प्रोग्रामर का उद्देश्य कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना नहीं है, कम करना है, कम कॉम्प्लेक्सिटी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो स्विच केस यही काम करता है, कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर देता है। काम वही करता है जो इफ एल्स करेगा, बट ये कॉम्प्लेक्सिटी को कम करके वही काम कर देता है। सिंटैक्स देखा जाए इसका सिंटैक्स क्या है, स्विच केस का? स्विच और यहां पे एक्सप्रेशन, जिसकी वैल्यू चेक करना है वो कहां देंगे, इस ब्रैकेट के अंदर देंगे। ठीक है, अगर आपको एक्स की वैल्यू चेक करना है तो यहां पे एक्स लिखेंगे, ए की वैल्यू चेक करना है तो यहां पे ए लिखेंगे, अगर आपको ए प्लस बी की वैल्यू चेक करना है तो इसमें लिखेंगे ए प्लस बी। तो जिसकी वैल्यू चेक करना है वो कहां लिखेंगे, समझ में आया? और यहां पे शुरू करेंगे कर्ली ब्रेसेस, मतलब अगर इसकी वैल्यू चेक करो, किसकी वैल्यू, एक्सप्रेशन की, और यहां पे बताओ केस वैल्यू वन, इसकी वैल्यू अगर ये है, अगर केस क्या मिल रहा है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ये है, तो इस कोलन के इस तरफ आ जाओ, किस तरफ, दाहिने साइड, कोलन के दाहिने साइड आ जाओ और यहां पे जो स्टेटमेंट लिखा है उसको एग्जीक्यूट करो। अब हो सकता है एक से अधिक स्टेटमेंट हो, एक हो सकता है, दो हो सकता है, दस हो सकता है, जितने होंगे, अगर ये वैल्यू इसका ये वैल्यू है तो इधर आओ और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो और तब तक करते रहो जब तक कि ब्रेक ना मिल जाए, जब तक कि, तो यानी कि इसके लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, ब्रेक। और ब्रेक का मतलब क्या है, स्विच से बाहर चले जाओ, ब्रेक का मतलब क्या है, तो जैसे इस ब्रेक मिलेगा तो बाहर चला जाएगा, जहां पे स्विच खत्म होगा उसके बाद चला जाएगा। अब इसी तरह से अगर ये वैल्यू नहीं है तो दूसरी वैल्यू बताओ, केस वैल्यू टू, अगर ये वैल्यू है तो इधर आया, नहीं है तो नीचे आएगा, अगर ये वैल्यू नहीं है तो कहां आएगा, नीचे। क्या ये वैल्यू है,
अगर ये बने तो इस तरफ आओ, और जो एग्जीक्यूट करवाना है, जो काम करवाना है वो यहाँ पे लिख दो। स्टेटमेंट्स एक से अधिक हो सकता है, और लास्ट में क्या होगा? वेरी गुड। इस तरह से जितने चाहिए उतने सारे केस लिख दो, 2, 4, 8 जितने केस चाहिए, जितने आपको आवश्यकता है वो सारे लिख दो। जैसे हम एक्स की वैल्यू चेक कर रहे हैं तो यहां पर क्या लिखेंगे? स्विच एक्स केस। अगर वैल्यू 1 है तो क्या करना है वो यहां लिख दो, ब्रेक केस। अगर 1 नहीं है तो चेक करो क्या 2 है, 2 है तो ये जाओ, यहां जाओ, ये एग्जीक्यूट करो। इस तरह से केस 3 केस 4 जितने चाहिए उतने लिख दो। कितने केस तक चेक करना पड़ेगा सर? वो आपके क्वेश्चन के हिसाब से है, वो आपके प्रश्न के हिसाब से है, ठीक है ना। अगर उसने कहा कि 1 है तो ऐड करो, 2 है तो सब्ट्रैक्ट करो, 3 है तो मल्टीप्लाई करो, 4 है तो डिवाइड करो, तो कितने केस हुए? 4। समझ में आया ना? वो प्रश्न के हिसाब से होगा, क्लियर। तो जितने केस चाहिए वो ऐसे लिखते चले जाओगे। अब इसमें आर्यन पूछ सकता है कि मान लो कोई एक केस नहीं है, सपोज 1, 2, 3, 4 चार केस था और यूजर ने बदमाशी में 6 दे दिए, तो अगर एक्सपेरी 6 दे दी है तो 4 लेने के बाद कहाँ जाएगा? बाहर चला जाएगा, उसमें है नहीं। तो हम चाहते हैं कि अगर 4 के अलावा कुछ करे तो एरर मैसेज दे, तो उसके लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे लास्ट में हम लिखते हैं डिफॉल्ट। क्या लिखते हैं? डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? अगर इनमें से कोई मैच ना करे, डिफॉल्ट का मतलब क्या हुआ? अगर इनमें से कोई मैच ना करे तो ये मैच हो गया, तब यहां आ जाओ और यहां पे इस तरफ आओ, और जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कराना है वो यहां लिख दो, जो काम करवाना है वो यहां लिखो, और यहां पे ब्रेक नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा, क्योंकि आखिरी स्टेटमेंट है तो नीचे ही जाएगा, इसके बाद बाहर ही जाएगा, और यहां पे आपका हो गया। अब देखो काम कैसे कर रहा है, इधर देखो, यहां से आया, पहले इस कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है। सपोज आपने x की वैल्यू डाली है 3, क्या डाला है? 3, यहां पे x लिखा है, और ये 1 है, ये 2 है, और ये इसी तरह से यहां पे 3 लिखा हुआ, और नीचे मान लो 4 भी लिखा है, केस 4। तो यहां क्या 1 है? नहीं, इस तरफ नहीं जाएगा। क्या 2 है? नहीं, इस तरफ नहीं जाएगा। क्या 3 है? यस, तो 3 के इस तरफ आएगा, और यहां पर जो लिखा होगा एग्जीक्यूट करेगा, जैसे ब्रेक मिलेगा बाहर चला जाएगा। मान लेते हैं आपने डाला 7, 1 है? नहीं, 2 है? नहीं, 3 है? नहीं, 4 है? नहीं। जब कुछ नहीं है तो डिफॉल्ट मैच कर गया। अगर 1, 2, 3, 4 नहीं है तो जो बचा वो क्या है? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट 7 कहां जाएगा? डिफॉल्ट में, यहां जो भी स्टेटमेंट लिखा वो एग्जीक्यूट करेगा। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग वैल्यू है, हम उसको अलग अलग जगह भेज रहे हैं, इसी को कहते हैं मल्टी वे ब्रांचिंग। क्या ये चीज सबको समझ में आ गया? तो ये सेंटेंस आप लोग साफ साफ, इज दैट क्लियर? तो आज हमने आपको बताया कि मल्टी वे ब्रांचिंग किस तरह से की जाती है, इसका हमने आपको स्टेटमेंट का पर्पस क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है बता दिया। इसके ऊपर हम कुछ एग्जांपल्स अगले क्लास में करेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। वीडियो आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए धन्यवाद, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक वाला बटन दबाएंगे तो पुण्य मिलेगा, शेयर करेंगे तो आपको नई नई गर्लफ्रेंड मिलेगी। थैंक यू, जय हिंद।